हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम थिंग। आज हम जानेंगे कि आधार डेटा जो है उसको आप लॉक कैसे कर सकते हैं। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, एम आधार नाम की एप्लीकेशन है, ये आपको इंस्टॉल करनी है। और ये ऑफिशियल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है, आप यही डाउनलोड करें और कोई ना करें। इसके बाद ये आपसे कंसेंट लेगा, आपको बस इसमें ओके करना है। और इसके बाद यूज़र गाइडलाइंस हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। इसमें ऐप के रिलेटेड कुछ आपको जानकारी दी गई है, जैसे आप इसमें 3 प्रोफाइल्स अपने फैमिली मेंबर्स के भी ऐड कर सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, जैसे आपका ATM पिन होता है 4 डिजिट का। मैंने जैसे रेंडमली 1234 पासवर्ड सेलेक्ट किया है। ये बार बार जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये बार बार यही पूछेगा, आपको कंफर्म करना है। फिर ये आधार कार्ड नंबर पूछेगा और आप इसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालिए और नेक्स्ट करिए। फिर ये एक OTP मांगेगा और ये OTP अपने आप ही ये एक्सेस कर लेता है, जैसे मेरा कर लिया है। तो उसके बाद ये सीधे आपको आपका आधार कार्ड दिखा देगा और ये ऐड प्रोफाइल, यहाँ से आप और प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरा आधार कार्ड ऐड हो चुका है। उसके बाद ये दोबारा जैसे आप क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड वही पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड जैसे डालेंगे फिर उसके बाद ये जो 3 डॉट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बायोमेट्रिक सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपको और इनेबल बायोमेट्रिक्स लॉक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऊपर वाला जो वाइट राइट टिक है उसको ओके करेंगे तो ये एक OTP मांगेगा और OTP अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा। और जैसे कि इसने मैसेज भी दिखाया कि ये जो लॉक है ये 6 घंटे तक वैलिड नहीं होगा, 6 घंटे के बाद एप्लीकेबल होगा। 6 घंटे तक आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और ये जैसे लिखा आ रहा है कि बायोमेट्रिक लॉक हो चुका है और अनलॉक भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान था और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी आसान था और आप इससे अपना डेटा सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है कि अनलॉक बायोमेट्रिक डेटा लॉक, और अनलॉक के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सेम वही प्रोसेस है और आप पासवर्ड डाल के अपना डेटा अनलॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।